हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन मीन पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बारे में, क्योंकि दिल्ली से सबसे पहले आया था कोबरा इफेक्ट और इसे इंट्रोड्यूस किया था एक फेमस इकोनॉमिस्ट हॉर्स्ट सीबर्ट ने। यहाँ पर कोबरा इफेक्ट का मीनिंग एक ऐसे सॉल्यूशन से है जो कि प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये प्रॉब्लम सबसे पहले हुई थी दिल्ली में, इसीलिए इसका नाम दिया गया था कोबरा इफेक्ट। आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले सन 1800 में, जब ब्रिटिश लोग इंडिया पे राज कर रहे थे, और उस समय दिल्ली में एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पे दिल्ली में कोबरा सांप की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और काफी लोग इससे मरे थे, और उस समय दिल्ली आज की दिल्ली से पूरी अलग थी। उस समय की दिल्ली हरी भरी दिल्ली थी और उसके आसपास जंगल भी थे। बढ़ती हुई कोबरा की पॉपुलेशन को देखते हुए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, जिसमें कि जो भी मरे हुए कोबरा को लेकर कर आएगा तो उस पर उनको इनाम दिया जाता था। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोग कोबरा सांप को मार करके गवर्नमेंट को देने लगे, जिससे कि उन्हें पैसा भी मिलने लगा था। ये सब देख करके गवर्नमेंट खुश थी, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोबरा सांप का पॉपुलेशन कम होता जा रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई उसके बाद, जब लोकल एंटरप्राइजिंग और कुछ बिजनेसमैन लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्हें जैसे ही पता चला कि गवर्नमेंट मरे हुए कोबरा को लेकर के इनाम दे रही है, तो उन्होंने कोबरा के बच्चों को पालना शुरू कर दिया, और कई लोग कोबरा को पालते थे, उन्हें बड़ा करते थे, और बड़ा करके उन्हें मार करके गवर्नमेंट को दे देते, जिससे कि उन लोगों को पैसा मिलता था, और इससे लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया। इस स्कीम के बारे में जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने अपने रिवॉर्ड स्कीम को तुरंत रोक दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम यही नहीं रुकने वाली थी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से लोगों के पास जो भी कोबरा सांप थे उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए, और दिल्ली में कोबरा सांप की प्रॉब्लम जैसी पहले थी अभी उससे और ज़्यादा बढ़ गई, और काफ़ी लोग उससे मरने भी लगे थे। बाद में गवर्नमेंट ने सारे कोबरा सांप को पकड़ कर जंगल में भिजवाया, और तब जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसी इंसिडेंट को नाम दिया गया बाद में कोबरा इफेक्ट, और ये फिलॉसफी आजकल यूज होती है इकोनॉमिक्स में। कुछ ऐसा ही देखा गया था सन 1902 में, जब फ्रांस के वियतनाम में चूहों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी मरे हुए चूहों को लाने पर लोगों को इनाम देने की घोषणा की, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि हुआ था दिल्ली में। लोगों ने चूहों को पालना शुरू कर दिया और उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने उस स्कीम को रोका और एक स्पेशल अभियान चला करके सारे चूहों को सिटी से बाहर किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।